आशा करते हैं कि आप सब लोग हमारी पिछली वीडियो देख लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे कहानी को। ये आपका वीडियो नंबर 6 है, आई हैव ए ड्रीम लेसन का। यह इस लेसन का अंतिम वीडियो है और सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी कलम निकाल लें और इस सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। करें व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव, यानी ट्राइंग यानी कोशिश करना, अचीव माने पाना, यानी लेखक क्या पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं थ्रू के द्वारा हिज स्पीच, यानी कि लेखक आई हैव ए ड्रीम लेसन के द्वारा, स्पीच के द्वारा क्या पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ अलबामा स्टेट। थोड़ा सा स्पेलिंग या मिस्टेक है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये किसी का पेयर है अपने स्टूडेंट का, जिसे हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और पर्याप्त अभी संसाधन की कमी है, जिसके वजह से समझ रहे हैं लॉकडाउन में कोई सुविधा है नहीं। तो अलबामा इसको समझेंगे, अलबामा स्टेट एंड रिमूव रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। क्या हो जाएगा, व्हाइट यहाँ एस लगा लेंगे, ब्लैक में भी आप क्या करेंगे एस लगा लेंगे, यानी कि व्हाइट्स एंड ब्लैक, यानी कि द ऑथर इज ट्राइंग, ऑथर कोशिश कर रहे हैं अचीव पाने के लिए कि द डेवलपमेंट ऑफ अलबामा स्टेट, कि अलबामा जो स्टेट है उसका विकास हो, और रिमूव रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, और वहाँ पर जो रेशियल डिस्टिंक्शन है यानी कि जातीय जो भेदभाव है व्हाइट और ब्लैक के बीच में, रिमूव हो जाए यानी कि खत्म हो जाए। आपको भी पता है ही वॉन्ट्स टू अचीव फाइनली इक्वल सिटीजनशिप। देखिए यहाँ एन मिस हुआ है, सिटीजन JDNSHIP राइट फॉर ऑल नेशन, देख रहे हैं ना, यानी कि वह चाहते हैं, ही वांट्स, वह चाहते हैं अचीव करना फाइनली यानी कि अंतिम इक्वल सिटीजनशिप राइट फॉर ऑल नेशन, नेशन यानी पूरे राष्ट्र के लिए एक समान इक्वल नागरिकता का अधिकार हो। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर। क्या आप सोचते हो, थिंक करते हो कि जो ये मार्टिन लूथर किंग जो है ये बहुत महान वक्ता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ओरेटर, आपके अनुसार ए ग्रेट ओरेटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ज हिज पीपुल टू डू, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस स्पीच में अपने लोगों से क्या अर्ज करते हैं, क्या विनती करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला का आंसर तो यस हो जाएगा कि आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर, कि मार्टिन लूथर किंग जो है एक महान वक्ता है। अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार ए ग्रेट ओरेटर है जो यूनिक क्वालिटी टू एक्सप्रेस हिज वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस बाय इफेक्टिव स्टाइल। कह रहे हैं कि मेरे अनुसार अभी समझेंगे, एक महान वक्ता हो कोई बोलने वाला व्यक्ति, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ग्रेट ओरेटर के पास एक यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सप्रेस हिज वर्ड, अपने शब्दों को रखने के लिए एक यूनिक, समझ रहे हैं ना, एक यूनिक तरीका होना चाहिए कि किसी ऑडियंस के सामने अपने शब्द को इफेक्टिव स्टाइल में यानी कि एक प्रभावी तरीके से कैसे रखें। द मार्टिन लूथर किंग जूनियर हिज पीपुल टू वर्क टूगेदर वर्क वॉक अहेड ऑल टूगेदर, यानी कि द मार्टिन लूथर किंग अर्ज करते हैं, यू आर जी अर्जेज, यानी उन्होंने अर्ज किया हिज पीपुल अपने लोगों से कि वर्क टूगेदर, एक साथ काम करें, एक साथ आगे की तरफ बढ़े। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, व्हाट इज द डियर प्लीज, उनकी क्या शपथ थे, उन्होंने क्या शपथ लिया था। द डियर प्लीज ऑफ नेग्रोज आर विल मार्च अहेड, उनका पहला शपथ था कि हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, एंड नेवर टर्न बैक, हम कभी वापस नहीं आएंगे। बिसाइड में इस लगा लीजिए, के बाजूद हो जाएगा, बिसाइड्स देम, इसके अलावा
यानी उन्होंने पहला शपथ लिया था कि हम आगे की तरफ चलेंगे, कभी वापिस नहीं आएंगे। इसके अलावा भी दी विल नेवर सेटिस्फाइड विदाउट गेट, थोड़ा सा यहाँ लगा लेंगे गेट या अचीव, या लिख लेंगे गेट या अचीव दियर ऑल सिटीजनशिप राइट वेदर दे विल डाई। और इसके अलावा उन्होंने शपथ लिया था कि हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि हम अपने अधिकार को नहीं, नागरिकता का अधिकार नहीं पाते हैं, वेदर दे विल डाई, चाहे उन लोगों को मरना पड़े। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, ट्रायल्स क्या कठिनाइयां थी, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन क्या विरोध था, द ऑथर टॉक अबाउट, यानी कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयों की बात की गई है इस स्पीच में, कौन सी कठिनाइयों की बात की गई है कि बहुत सारे बाधाएं, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या, बहुत सारी बाधाओं की बात की गई है कि हम लोगों की बहुत सारी बाधाएं हैं इस आंदोलन में, सभी बाधाओं को मैनेज करना है यानी कि निपटना है। कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, व्हाट अबाउट ऑथर टॉक्स, कह रहा है कि बहुत सारे सेवरल बाधाएं हैं जिसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, लाइक जेल, जैसे वो जेल की बात है कि इसमें बाधा आएगी, हमको जेल जाना पड़ेगा, हैटर्ड लोग बैटर्ड, हमें पिटाना पड़ेगा, कुचलाना पड़ेगा, रिसिकेंस यानी कि हम पर बहुत सारे अत्याचार किए, ब्रूटलेटली वही बुरी तरीके से पीटे जाना, कुचला जाना, यानी कि इन सभी कठिनाइयों को हमें सामना करना पड़ेगा। अगला है दिस इज आवर होप, पैराग्राफ 19, व्हाट इज द होप, कह रहा है कि जो लेसन है इसमें एक पैराग्राफ है जिसका नाम है 19, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आप अच्छे से इस लेसन के हिंदी को समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी पढ़ते हैं, जब तक हिंदी में इनको नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा, हिंदी ही याद किया जाता है, ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी कायम की जाती है। कह रहा है कि द होप ऑफ ऑथर इज डैट they will be able to transform that jangling discord of America into a beautiful symbol of brotherhood. कह रहे हैं कि 19 के अनुसार वो आशा करते हैं कि जितने भी discords of America यानी अमेरिके में जो बुरी बहुत सारे बवाल्स हैं, बहुत सारे हल्ला गद्दर ये सब जो हैं, उनको अन्याय जो है उसको एक ब्यूटीफुल भाईचारा में बदलना है, एक भाईचारा का प्रतीक देना है। With this faith, इसी विश्वास के साथ we will be able to work together, इस विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि to pray together, एक साथ काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, and to stand up for freedom together, और हम लोग क्या करेंगे जी, जो आजादी की चौकट है उस पर खड़े रहेंगे, एक साथ कि हमें आजाद होना है तो होना है। अगला क्वेश्चन है if America is to be a great नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो क्या सच सामने आएगा। कह रहा है इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन देन एवरी नेगरो शुड बी गिवन इक्वल सिटीजनशिप राइट इन अमेरिका नेशन। एक समझ रहे हैं ना कि उस दिन भी बताए थे आपको कहानी में कि अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो जितने भी नेग्रोज हैं या अमेरिका में रहने वाले लोग हैं सबको एक समान अधिकार मिलेगा कि सब लोग अमेरिका वासी हैं, तब जाकर के अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा। उस दिन भी बताया थे आपको कहानी में देयर शुड नॉट बी डिस्टिंक्शन एमोंग ऑल अमेरिकन, और पूरे अमेरिकन में अमेरिका वासियों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि वेदर द ब्लैक्स और द व्हाइट, चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो सबको अधिकार समान मिलने चाहिए। अगला है व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक्स द अलमाइटी, कह रहा है कब और क्यों, क्यों और कब सभी लोगों ने, नेगरो वाले ने भगवान को थैंक्स बोला। कह रहे हैं कि व्हेन फ्रीडम रिंग स्प्रेड एवरीवेयर इन अमेरिका एंड ऑल नेग्रोज गॉट रीड ऑफ ब्रुटलिटी बैटर्ड हैटर्ड एप्लीकेशन ऑफ वाइट अमेरिकन दे थिंक द ऑलमाइटी, कह रहा है कि जब सब जगह आजादी की गीत, आजादी की लय घूमने लगी, सब जगह आजाद हो गया, अमेरिका के जितने भी नेग्रो थे उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, इन सभी चीजों से वाइट वाले जो इस पर कुशासन करते थे उनसे जब वो छुटकारा पाया
और आजादी पाई तब उन्होंने भगवान को थैंक्स बोला कि भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शक्ति से हम लोग क्या हुए जी, आजाद हुए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं समझ में आए होंगे। इसको कॉपी में लिख लेंगे और अपने एग्जाम की भी उसे याद करते रहेंगे। सो थैंक्स।